दोस्तों, बिजनेस कंपनीज को हम ट्रेडिशनली दो कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक वो जो अपने शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, और दूसरी वो जो कम्युनिटी को सर्व करने के लिए स्थापित की जाती है। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो दूसरी श्रेणी से बिलोंग करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फोरम जेनिक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ये एक ऐसी कंपनी है जिसने ना केवल सदियों से चले आ रहे बिजनेस प्रिंसिपल्स को रिफॉर्मुलेट किया, बल्कि उन्हीं प्रिंसिपल्स को उल्टा करके दिखाया है। ये वो कंपनी है जिसकी ओनरशिप में जगुआर एंड लैंड रोवर जैसी लग्जरी कार्स मैन्युफैक्चरर्स आते हैं। हाल ही में इस कंपनी द्वारा आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के तौर पर चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो को रिप्लेस भी किया गया था। क्या आप गेस कर सकते हैं? एनी गेसेस फ्रेंड्स, हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप्स की, जिसने अपने अलग अलग कंपनीज द्वारा अपनी पहुंच हमारी किचन से लेकर जॉब्स तक बनाई हुई है। एक सुनहरी कहावत है कि इन्वेस्ट इन रिलायंस बट वर्क फॉर द टाटास। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कुछ अननोन एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट टाटा दैट एवरीवन शुड नो। नंबर एक, सरकार द्वारा अनिवार्य किए जाने से पहले प्रोविडेंट फंड शुरू करने वाली पहली कंपनी टाटा है। नंबर दो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, सभी टाटा द्वारा भारत सरकार के लिए बनाए गए थे। नंबर तीन, 2008 में ताजमहल पैलेस होटल पर आतंकवादी हमले के दौरान प्रभावित पीड़ितों को काउंसलिंग सुनिश्चित करने के लिए रतन टाटा व्यक्तिगत रूप से मुंबई में थे। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि कोई भी मीडिया इसे पब्लिश ना करे। नंबर चार, सामान्य तौर पर टाटा ग्रुप के मुनाफे का लगभग 66% टाटा ट्रस्ट नामक चैरिटी में जाता है। टाटा ग्रुप की प्रत्येक कंपनी अपनी ऑपरेटिंग इनकम का 4% से अधिक बिना किसी फस और पब्लिसिटी के ट्रस्ट को देती है। इट इज अ मदर ऑफ ऑल चैरिटी। नंबर पांच, टाटा ग्रुप उन बच्चों के लिए डे केयर शुरू करने वाला पहला ग्रुप था जिनकी माताएं कंपनी में काम कर रही है और घर पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसने कानून बनने से काफी पहले से ही मैटरनिटी लीव देना भी शुरू कर दिया था। नंबर छह, टाटा ग्रुप शराब और सिगरेट का बिजनेस नहीं करती। दिस फर्दर प्रूव्स दैट दे आर द प्राइड ऑफ इंडिया। दोस्तों, आइए टाटा ग्रुप्स की मौजूदगी को विस्तार से देखते हैं। टाटा ग्रुप्स की शुरुआत तो काफी हम्बल थी, लेकिन जमशेद जी टाटा के साथ साथ आने वाली जनरेशन ने भी टाटा को ग्लोबल बनाने के संकल्प के साथ दिन रात जो मेहनत की, उसका परिणाम आज हम सब देख सकते हैं। मुंबई में हेडक्वार्टर्ड टाटा ग्रुप सेवरल प्राइमरी बिजनेस सेक्टर्स में ऑपरेट कर रहा है, जिसमें केमिकल्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एनर्जी इंफॉर्मेशन सिस्टम, मटेरियल्स, सर्विस एक्सेट्रा शामिल है। बिना किसी देरी के हम सीधे आपको लेकर चलेंगे टाटा ग्रुप की ग्लोबल दुनिया में, जहां हम देखेंगे कि आज इंडिया के अलावा किन किन देशों में टाटा ने अपनी पहचान बनाई हुई है। हम टाटा ग्रुप की हिस्ट्री पर एक नज़र डालते हुए समझेंगे कि ग्लोबल विजन टाटा का हमेशा से प्लान था या ये किसी चेयरमैन की स्ट्रेटेजी में शामिल था। दोस्तों, सन 1869 और 70 के दौरान जमशेद जी टाटा ने एक छोटी सी कंपनी टाटा ग्रुप्स की नींव रखी, जिसके ग्रैंड विजन्स थे। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने एक बैंकरप्ट ऑयल मिल को कन्वर्ट करके कॉटन प्रोडक्शन की कंपनी शुरू की थी, जो शुरुआत से ही चाइना और इंग्लैंड की फॉरेन कंपनीज के साथ ट्रेड किया करती थी। सन 1902 में उन्होंने भारत के पहले लग्जरी होटल को ताजमहल पैलेस एंड टावर के रूप में इनकॉर्पोरेट किया। जमशेद जी टाटा
की मृत्यु के बाद सन 1904 में जब उनके बेटे सर दोराबजी टाटा कंपनी की कमान संभाली तो उनकी गाइडेंस और लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने और तरक्की की और टाटा ग्रुप की प्रेजेंस स्टील सेक्टर सन 1907 में, इलेक्ट्रिसिटी सन 1910 में, एजुकेशन सन 1911 में, कंज्यूमर गुड्स सन 1917 में और एविएशन सेक्टर सन 1932 में और भी डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स में फैलती हुई नजर आई। उसके बाद जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा यानी जेआरडी टाटा, जो सर नरोजी सकलतवाला के शॉर्ट टेनियर के बाद चेयरमैन की पोजीशन पर आए थे। उन्होंने कंपनी को कई और न्यू सेक्टर में एक्सपैंड किया, जिसमें केमिकल्स सन 1939 में, कॉस्मेटिक्स सन 1952 में, मार्केटिंग इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सन 1954 में, टी सन 1962 में और सॉफ्टवेयर सर्विसेज सन 1968 में शामिल की। सन 1945 में टाटा ग्रुप ने टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना के साथ अपने यूनिवर्स में एक और सितारा जोड़ा, जिसे हम टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। सन 1991 में रतन टाटा ने जेआरडी टाटा को सक्सीड किया और अपनी चेयरमैनशिप के दौरान रतन टाटा ने एग्रेसिवली कंपनी को एक्सपैंड करने में फोकस किया, ताकि टाटा बिजनेस केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व का होम ब्रांड बन सके। इनफैक्ट कई लोगों का मानना है कि रतन टाटा एक फ्यूचरिस्टिक लीडर है, जो हमेशा पावरफुल विजन के साथ आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चेयरमैन बनने से पहले भी सन 1983 में उन्होंने जेआरडी टाटा के नेतृत्व में एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था, जिसे अनऑफिशियली टाटा प्लान कहा जाता था। ये डॉक्यूमेंट टाटा ग्रुप के फ्यूचर का एक ब्लूप्रिंट था। उस समय उन्होंने रेकमेंड किया कि टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल ऑपरेशन में सब्सटेंशियल ग्रोथ सीख करने की आवश्यकता है। उन्होंने ग्लोबल अपॉर्चुनिटी को बेहतर ढंग से एड्रेस करने के लिए ग्रुप के रीस्ट्रक्चरिंग के भी सुझाव पेश किए। इसी वजह से टाटा ग्रुप के ग्लोबलाइजेशन के लिए रतन टाटा को क्रेडिट दिया जाता है। इसके अलावा जब वो सन 1991 में चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किए गए, उसी साल इंडिया में इकोनॉमी रिफॉर्म्स लॉन्च हुए और उस समय ग्लोबलाइजेशन एक न्यू कॉन्सेप्ट के रूप में भारत में उभर रहा था। दोस्तों, रतन टाटा इस मौके का बखूबी फायदा उठाते हुए न केवल बिग एक्विजिशन में बल्कि भारत के टॉप बिजनेस लीडर्स के बिजनेस माइंडसेट को भी चेंज करने में एक लीडिंग रोल निभाते हुए नजर आए। रिपोर्ट्स बताते हैं कि भारतीय बाजारों में राष्ट्रवादी उत्साह, इकोनॉमिक पेट्रियोटिज्म की जबरदस्त लहर देखी जा रही थी। इन्हीं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंडर नया भारत तैयार हो रहा था और रतन टाटा ग्लोबल इंडियन टेकओवर की अगुवाई कर रहे थे। दोस्तों, इस टेकओवर की शुरुआत हुई सन 2000 में टाटा टी द्वारा टेटली के एक्विजिशन से। उसके बाद मानो टाटा ग्रुप एक शॉपिंग बेंच पर निकल पड़ा, जब उसने केवल 9 सालों में लगभग 36 कंपनीज को एक्वायर किया। अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप INC के साथ पार्टनरशिप करके टाटा ग्रुप ने टाटा AIG इंश्योरेंस कंपनी के रूप में इंश्योरेंस सेक्टर्स में भी अपनी पकड़ मजबूत की। सन 2004 में टाटा ग्रुप ने साउथ कोरिया के डेवू मोटर्स ट्रक मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटर्स को भी खरीदकर साउथ कोरिया में अपनी प्रेजेंस बनानी शुरू की। सन 2007 में टाटा ग्रुप ने जॉइंट एंग्लो डच स्टील मैन्युफैक्चरर कोरस ग्रुप को एक्वायर किया, जो भारतीय कंपनी द्वारा कंप्लीट किए जाने वाला बिगेस्ट कॉर्पोरेट टेकओवर माना जाता है। उसके अगले साल टाटा ग्रुप ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कदम रखा और 10 जनवरी सन 2008 को टाटा मोटर्स ने टाइनी रेयर इंजन पॉडशेड व्हीकल नैनो लॉन्च करके एक और माइलस्टोन एकम्प्लिश किया। जुलाई सन 2009 में पहली नैनो भारत की सड़कों पर दिखाई दी। इसकी एंट्री ने कई मिडिल क्लास फैमिलीज के कार ओन करने के सपनों को पूरा किया। सन 2008 में एक और लैंडमार्क अचीवमेंट टाटा ग्रुप ने हासिल की, जब उसने एलीट ब्रिटिश ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को फोर्ड मोटर्स कंपनी में से खरीदा था। उसके बाद सितंबर सन 2017 में टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया था कि वो यूरोपियन स्टील मेकिंग ऑपरेशन विद जर्मन स्टील मेकर थाइसन क्रब के साथ मर्ज कर रहा है। सन 2018 में डील फाइनल होती नजर आई, जिसके बाद ये यूरोप की सेकेंड बिगेस्ट स्टील कंपनी बनके उभरी। आज टाटा लगभग 6 लाख प्लस एम्प्लॉयज के साथ 6 कॉन्टिनेंट्स के 100 कंट्री से भी अधिक देशों में मौजूद है
और कंपनी का शेयर होल्डर बेस 2 मिलियन और मार्केट कैपिटलाइजेशन 57.7 बिलियन डॉलर से भी अधिक है। सन 2021 में टाटा कंपनी की टोटल रेवेन्यू लगभग 103 बिलियन डॉलर्स थी। इसकी प्रेजेंस यूके, एशिया पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिका, मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में बड़े पैमाने पर देखी जा सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिडल ईस्ट लैंडस्केप के वन ऑफ द मोस्ट आइकनिक प्रोजेक्ट के पीछे वोल्टास की एमईपी एक्सपर्टीज का हाथ है। इन आइकनिक प्रोजेक्ट्स में बुर्ज खलीफा, फरारी वर्ल्ड, दोहा फेस्टिवल सिटी, कैंपिंस्की होटल और वेंडोमे मॉल दोहा शामिल है। इसके अलावा वॉच एंड ज्वेलरी में भी टाटा अपनी पहचान पूरे मिडल ईस्ट में बनाता हुआ नजर आ रहा है। आज टाइटन मिडल ईस्ट में अपने सभी मेजर वॉच ब्रांड्स की मार्केटिंग करता है और यूएई में अपना पहला इंटरनेशनल ज्वेलरी स्टोर तनिष्क भी लॉन्च कर चुका है। दोस्तों, टाटा के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी किसी से पीछे नहीं है। आज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सभी GCC कंट्रीज में मौजूद हैं, जहां रीजन के फ्लैगशिप ब्रांड में टाटा टी, टेटली, टाटा सॉल्ट, कनन देवन और सोलफुल शामिल है। जिस तरह से इंडिया में टाटा के इंडियन होटल्स का अपना नाम और शान है, वैसे इंडियन होटल कंपनीज अवार्ड विनिंग ताज दुबई और रिसेंटली लॉन्च ताज जुमेरा लेक टावर्स दुबई भी ऑपरेट करती है। दिलचस्प बात यह है कि एनुअल ट्रिप एडवाइजर ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड्स 2021 में दोनों होटल टॉप 10 होटल वर्ल्ड वाइड की लिस्ट में शामिल किए गए थे। दोस्तों, अगर हम यूरोप की बात करें तो इस कॉन्टिनेंट में टाटा ग्रुप सन 1907 से प्रेजेंट है, जब लंदन में टाटा लिमिटेड एस्टैब्लिश हुआ था। यूरोप कॉन्टिनेंट में आज 60,000 प्लस एम्प्लॉयज के साथ टोटल 19 टाटा कंपनीज मौजूद हैं। यूरोप और यूके की अगर हम बात करें तो सन 1907 में टाटा लिमिटेड यूके में इनकॉर्पोरेट किया गया था। इनफैक्ट यूके में टाटा लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज में से एक गिना जाता है, जो 40 से भी अधिक लोकेशन पे अपने ऑपरेशंस रन कर रहा है। जैगवार, लैंड रोवर, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स इस रीजन की लीडिंग टाटा कंपनीज मानी जाती है। यूके बेस्ड टाटा कंपनी कई एक्टिविटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एजेंट के रूप में इंडियन बेस्ड टाटा की ऑपरेटिंग कंपनीज के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है और बिजनेस डेवलपमेंट में सहयोग देने के साथ साथ टाटा कंपनीज के बिहाफ पर ब्रांड प्रमोशंस भी करती है। दोस्तों, कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि रतन टाटा ग्लोबलाइजेशन से ऑब्सेस थे, लेकिन रतन टाटा का ओपिनियन था कि वो ऑब्सेस्ड नहीं है, बल्कि गोइंग ग्लोबल टाटा ग्रुप के लिए बहुत समय से ओवरड्यू था, जिसे उन्होंने अपने कार्यकाल में इम्प्लीमेंट किया और उसका नतीजा हम सबके सामने है। टेटली एक्विजिशन के समय रतन टाटा ने कहा था कि इट्स अ बोल्ड मूव एंड आई होप दैट अदर इंडियन कॉर्पोरेट विल फॉलो। और बेशक आने वाले समय में कई इंडियन कंपनीज को हमने ग्लोबली एक्सपैंड होते हुए देखा और ऑलमोस्ट सभी अपने मुकाम पे काफी सक्सेसफुल हैं और इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि रतन टाटा ने एक ऐसी इंडियन एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट अनलीस्ट की है जिसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज भी रतन टाटा जी के द्वारा चालू की गई गोइंग ग्लोबल की इनिशिएटिव आज भी जारी है। दोस्तों, ये थी फोरम जेनिस की तरफ से टाटा के ग्लोबल प्रेजेंस की एक छोटी सी झलक। इस पूरे वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है और अभी वो कौन सा अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर है जहां पर इंडिया की अच्छी कंपनीज बाहर जाकर भी बेहतर काम कर सकते हैं? और साथ ही गहराई से सोचकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें टाटाज मौजूद नहीं है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।